लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन Aplus। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और उम्मीद आप लोग के रोजे बहुत अच्छे जा रहे होंगे। मेरे रोजे माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस सबको हिम्मत दें कि जो गर्मी है हमारे यहाँ पड़ रही है, रोजे को थोड़ा आसान करें। मैं कल नमाज में था तो मौली साहब यही दुआ कर रहे थे कि इस रात में गर्मी की थोड़ी शिद्दत कम होनी चाहिए। अल्लाह ताला सब मिलकर दुआ करें। इज्तिमाई दुआ हुई थी हमारे यहाँ और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरली कहर नासिल हो रहा है, लग रहा है ऐसा। हमारा तो अभी मैं किससे बात ही कर रहा था कि हम बहुत सारे लोग बड़े लिवरेज हैं, हम उस कम परसेंटेज लोगों में से हैं जो कि ज़िंदगी की अयाशियों में है कि हम जब गाड़ी में बैठते हैं एसी हो जाता है, घर में भी एसी है। वो लोग जो कि रोड पे काम कर रहे हैं वो किस हालत में होते हैं और सख्त काम करते हैं और उसमें रोज़ा भी रखते हैं। तो आते हैं ये रमज़ान में हम सबको एहसास दिलाता है कि उन लोगों का जो हमारे साथ रोज़ा रखते हैं लेकिन उनकी शफ़क़त है बहुत ज़्यादा होती है हमसे ज़्यादा। लेट्स एटलीस्ट उनको अपने साथ याद ज़रूर रखें और रमज़ान की स्पिरिट को जारी सारी रखें। जहाँ बहुत कुछ लेना देना होता है तो उनका भी ख्याल रखें। रमज़ान में चूँकि एक चीज़ हमारे साथ है वो है इफ्तारी। इफ्तारी के अंदर हर एक का होता है कि कोई नई चीज़ें, अरुण ने कहाँ से ले गया शवरमा, हर एक ने खाया हुआ है तो आज सोचा शवरमा बनाएं, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का ईजी शवरमा जो कि आप घर पर बना सकें उन चीज़ों से जो घर पर मैसर हों। अगर एक दो चीज़ें नहीं भी हों तो मैं बता दूंगा, वो आप उसको ऑप्शनल रखिएगा। शवरमा चंद एक उन चीज़ों में से जो कि पाकिस्तान में ट्रेवल करके आया वो हर इलाके में अपने हिसाब का बन गया, जैसे कि पिज़्ज़ा हमारे यहाँ अपने हिसाब का बन गया है। लाहौर में खास तौर पर मैंने देखा कि शवरमे का बहुत क्रेज़ है, मतलब हर कोने पे, जैसे कराची में शायद बंद कबाब मिलते हैं वहाँ पे शवरमा मिलता है और लोकल शवरमे का अपना मज़ा है। तो आज मेरे फ्लेवर का भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसा बना। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो है मैरिनेशन चिकन को, ईजी है। चिकन को गर्मी है बहुत है, चिकन को प्लीज़ ढाप के फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, चिकन का एक ब्रेस्ट ले लिया मैंने और इसको हम 20,000 आधा कर लेंगे। अगर मैं अपनी पसंद से करता तो मैं शायद इसको एक काम कर नहीं मैं हाँ आसानी हो जाएगी लोगों के लिए तो मैं इसको काट लेता हूँ, वरना मेरा सोच रहा था कि मैं इसको ज़रा पूरा पूरा कुक कर लूँ फ्राई पैन पे और फिर जब काटेंगे तो बड़ा अच्छा कलर आएगा। शुड आई डू दैट और नो, आई एम थिंकिंग लेट्स डू इट। सही जी, तो मेरे कहने पर ये कर लेते हैं कि चिकन का एक ब्रेस्ट ले लेते हैं, 20 उसको आधा कर लिया मैंने, ये पीस कहने के काम आ जाएगा। लेट्स डू दिस। अच्छा, अब चूँकि मेरे पास ये प्याला है जिसमें हम मैरिनेशन बनाएंगे तो इसमें हम रख लेते हैं जनाब नींबू का रस। अच्छा, शोरमे में नींबू का रस निकलता हुआ आता है तो हम 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून नींबू का रस ले लेते हैं। मैं चूँकि जल्दी में हूँ तो मैं 2 टेबल स्पून भर के ले लेता हूँ। इसको मैरिनेशन का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेस्ट दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट कर जाए मस्ट चिकन के अंदर ताकि फ्लेवर निकल के आए। आप उससे कि 2 घंटे मसाला लगा के फ्रिज में रख दें, ढक के उसके बाद उसको आप फ्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ इंग्रेडिएंट मैं रेकमेंड करता हूँ है तो डाल दें। अच्छा, चूंकि हम पाकिस्तानी फ्लेवर की बात करें तो हमारे मसाले बदल जाएंगे, लेकिन ओरिगानो, लहसुन और नींबू का रस और ऑलिव ऑयल, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अरेबिक खानों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शोरमे में। लेकिन चूँकि ये हमारे फ्लेवर्स हम हल्के पैलेट हमारे जो है मज़ा है वो खुलता नहीं जब तक हमें मिर्ची हमारे मसाले नहीं आए, तो हम दोनों को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं ओरिगानो डाल लूँ, आधा चाय का चम्मच ओरिगानो और बहुत इंपॉर्टेंट है लहसुन ताज़ा कूट लीजिएगा, तकरीबन 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं इसके अंदर ताज़ा लहसुन। और जनाब ऑलिव ऑयल मैं यूज़ नहीं कर रहा, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर तकरीबन ऑयल डाल रहा हूँ 2 टेबल स्पून, बल्कि 1 टेबल स्पून काफ़ी होगा, 1 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी होगा। इतना कि ऑयल क्या करेगा, बेसिकली ऑयल इसके मसाले को पेनिट्रेट करने में, यानी कि मसाला हर तरफ लग जाए वो हेल्प करेगा। बाकी कुकिंग में जब आपके ऑयल की ज़रूरत है वो भी यहीं से पूरी हो जाएगी, आपको अलग से ऑयल डालना नहीं पड़ेगा। तो ऑयल ओरिगानो 2 टेबल स्पून ऑयल हो गया, ओरिगानो हो गया, लेमन जूस हो गया, लहसुन ताज़ा वो ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे वो चीज़ें जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की हैं, नमक तो इंटरनेशनल ही है, 1 चाय का चम्मच नमक ले लेते हैं इसके अंदर। और जनाब लाल पिसी मिर्चें हम
ये भी एक हल्के हाथ का एक चाय का चम्मच, हल्के हाथ का। हल्दी, हल्दी इतनी लेंगे जनाब एक चौथाई चाय का चम्मच, एक बटा चार, यानी कि ये हिस्सा हल्का सा, अगेन नॉट टू मच। एक चीज बहुत लोग यूज करते हैं, भरत मसाला या गरम मसाला, गरम मसाला कोई आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, ये बड़ी अच्छी खुशबू देगा इसके अंदर, गरम मसाला ये ले लेते हैं। और जनाब इसमें हम डालेंगे पेपरिका, पेपरिका मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना इसको लोग डेजी मिर्च भी कहते हैं। बेसिकली पाकिस्तान में सूखी लाल मिर्चें इनको पीस के यूज किया जाता है, ये तेज नहीं होती है, कलर अच्छा देती है, पेपरिका की अपनी खुशबू आती है स्मोकी, अगर वो मिल जाए तो क्या बात है, नहीं तो, और नहीं मिलता आपको प्लीज मैं नहीं कहूँगा घर पे जा रही हैं मंगवाएं किसी से पेपरिका नहीं है तो मत डालें, बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं होगा। तो मैं, मेरे पास है तो मैं इसमें आधा चाय का चम्मच डाल देता हूँ, इधर कलर अच्छा कर देगा, दैट्स ऑल अबाउट इट। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है, लाल कुटी मिर्चें, तो ये आधा चाय का चम्मच लाल कुटी मिर्चें हमने इसको मसाले को अच्छी तरह से मिला लिया। अब ये जो आपका चिकन है इसको इसमें मैरिनेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है मैं तो इतनी देर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे मैं कहूँगा घर में कम से कम इसको छोड़ दीजिए दो चार घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि फर्स्ट क्लास में मज़ा रच बस जाए, उसके बाद हम कुक कर लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मेरा इरादा था कि मैं पीटा ब्रेड बनाना सिखाता, बहुत आसान है, तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन और दिन हम रख लेंगे। वजह ये कि मुझे खास इंस्ट्रक्शन है कि प्लीज़ रमज़ान में रेसिपीज आसान रखें, क्विक रखें और कंफ्यूज ना करें लोगों को। पहले मेरा शौक था दो तीन चीज़ साथ कुक हो रही होती ना, हसल बसल हो रहा होता था, तो उन्होंने कहा नहीं लेट्स टेक इट ईजी, क्यों लोगों की जो फीडबैक आ रहा है आप लोगों का कुछ आ रहा है, सुकून से रेसिपी देखें। तो मेरी उम्मीद है कि जो खैर पीता ब्रेड बाजार में मिल जाती है, पकी पकाई रोटी मिलती है, इवन मैं गुजरांवाले में था तो अगर आपको पीता ब्रेड नहीं मिलती तो मैंने देखा वहाँ पे तंदूर जो बेल्ट पे लगे हुए हैं, जो ओवन बनाए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि अमूमन इशू है गैस का, मुझे नहीं पता था कि गैस कितनी चल रही है उन इलाकों में, तो वो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट ब्रेड होती है। सही जी, ओपन फेस का मतलब है कि हम खुला रखें, मैं आपको बताऊंगा बड़े मजा बनाने वाला हूं मैं ये रेसिपी। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे कहीं आपने कहीं जाना, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो, और यहाँ पे हम बहुत मजेदार क्विक ओपन फेस शवरमा बना रहे हैं। ओपन फेस का मतलब क्या है, वो खुला है, रैप नहीं कर रहा, रोल नहीं कर रहा। आप चाहे रोल कर सकते हैं बाय ऑल मींस, देखने में अच्छा लगता है, फिर आप चाहें तो रोल कर लें। अच्छा, बेसिकली मैं इसको चिकन को मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है, शोरमे का मसाला, कुछ अपने चीज़ें हमने ऐड की हैं। इस फ्राई पैन पे इसको सेकेंगे। अच्छा, सेकने के लिए ऑयल तो काफ़ी ज़रूरत नहीं, नॉन स्टिक पैन है, अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। इसको गर्म करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी सूखा गर्म, ऑयल ना डालिएगा, पहले गर्म हो जाए। मैं हाथ पे रख रहा हूँ तो हाँ हीट महसूस हो रही है, अगर नहीं रखे गर्म हो तो नुकसान क्या है। पहला नुकसान तो ये जनाब कि ये ठंडे में ये गोश्त चिपक जाएगा, निकालेंगे तो गोश्त फटेगा, ये सबसे बड़ा नुकसान, खूबसूरती नहीं आएगी। दूसरा नुकसान इसका सबसे बड़ा ये है कि गोश्त पानी छोड़ देगा, जो कि महकेगा, और गोश्त का जो अपना फ्लेवर है चिकन का वो खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं ड्राई चिकन, ड्राई हो जाती है चिकन ब्रेस्ट खासतौर पे, तो वो आपका हो जाएगा। तो मेक श्योर चूल्हा आपका गर्म हो, छन की आवाज़ आपने वेट करना, किसका छन की आवाज़, छन की आवाज़ कब आएगी, जब ये आपका चूल्हा अच्छी तरह गर्म होगा। अब ये मैं रख रहा हूँ इसको, उम्मीद करूँ कि मुझे यहाँ पे मिलेगी वो आवाज़ जिसकी मेरी तलाश है, छन। अच्छा, एक दफ़ा हल्का सा आपने रखा, हल्के हाथ से दबा दिया, दबाया क्या, बस आइडिया ये कि ये जो गोश्त है ज़मीन पे हर तरफ से बराबर लग जाए, ना हो कि स्पेस ना मिले। अब इसको आपने छेड़ना नहीं है, बल्कि समझे गुना है, हम वो लोग गलती ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा छिड़म छाड़ी करते हैं, तो लेट्स नॉट छेड़ोफाई। अच्छा जी, यहाँ पे बंद गोभी हमें चाहिए, इसको मैं काट के इसके कोर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये हिस्सा होता है इसको हम कोर कहते हैं, इधर मुश्किल से होता है, कोटर करने के बाद ये बड़ा आराम से निकल जाएगा। ये हो गया, अब इसको आपने बारीक समझे, इसको जूलियन कहते हैं, बारीक हम काट के, चाहे तो उसमें हल्की सी रेड कैबेज अगर आपको मॉइस्चर है वो भी डाल दें, तो वो कलर अच्छा देगी। लेकिन कलर के लिए मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे खूब कलर देंगी।
फिलहाल मैं इसको एक साइड पर रख लेता हूँ और देख रहे हैं कि आप अमून हमें तजस्स होता है जब भी कोश रखते हैं तो हम फौरन उसको पलटना पलटना शुरू कर देते हैं। प्लीज ना कीजिएगा, ना रुक, इसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं है। होगा क्या, आप बहुत जल्दी पलट देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये प्रॉपर कुक नहीं होगा। हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए मसाला चिपक रहा है मेरा, हाँ मसाले को हर तरफ ले लें। ये बड़ा चार्ड हल्का जला जला इसका पिलाना चाहिए। मैं एक दफ़ा पलट के देख लेता हूँ, अभी हल्की सी कसर है क्योंकि मैं इसको मसाला ना मैं निकाल के साइडों में जा रहा है, इसको भी उठा लेते हैं बस। अच्छा बहुत तेज आंच ना रखिएगा, दरमियानी रखिएगा, वरना ये होगा कि ऊपर से तो काला हो जाएगा अंदर से ये कुक नहीं होगा। अच्छा बड़ी मज़े की बात ये कि चिकन को ब्रेस्ट हमने आधा किया हुआ वैसे भी तो बहुत ज़्यादा इसमें मसला नहीं होगा और साइडों से आपको लगे सफेदी आ रही है इसका मतलब आपका चिकन कुक हो गया एक तरफ से। अब आप पलट लें तो मेरे हिसाब से 3 मिनट एक तरफ, 3 मिनट एक तरफ, ऑलमोस्ट 3 मिनट बाद इसको आप पलट लें। आए हाय हाय हाय, ये देखें तो वो खवातीन या हजरात जो कह रहे होंगे जल गया, इट्स नॉट जलो फाई, ये देखें आराम से निकल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये इसका फ्लेवर्स में ऐड करेगा। एक दफ़ा हल्का हल्का सा मैंने सिर्फ इसलिए दबा रहा हूँ ताकि ये बस चिपक जाए और इसको आपने दरमियानी आँच पे कुक करना है और यहाँ लगे कि ऑयल कम है तो थोड़ा सा आप ऑयल हल्का सा नीचे पेंदे के लिए हल्का सा ऑयल आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अगेन कुछ 2 से 3 मिनट और कुक करूंगा, 3 मिनट एक और तरफ से, 3 मिनट एक तरफ, 3 मिनट एक तरफ। ओके जी ये तैयार हो गया, इसको साइड पर रखते हैं। अब इसी चूल्हे के ऊपर बड़ी मजेदार चीज पीता ब्रेड बाजार में मिल जाती है, वो ले लें, नहीं तो मैं आपको किसी दिन शो पे जरूर दिखा दूंगा। मैं 2 यूज कर रहा हूँ। अच्छा क्या करेंगे, इनको हल्का सा सेक लेते हैं, जले जले की फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। अच्छा मीन वाले बता दूं मैंने यहाँ मुझे क्या क्या यूज करूंगा, सिरका है, मिर्चें हैं बड़ी वाली, गाजर है और चुकंदर। हमने क्या किया इनको अलग अलग, बेशक आप चाहें उबाल लें, उबलता हुआ पानी 1 कप पानी, लेट्स से मैं आपको बता रहा हूँ हिसाब के, अब आपकी मर्जी जितना उसके अंदर गाजर हो या जो भी चीज़ हो, 1 कप अगर आप सिरका ले रहे हैं तो 1 कप पानी लेंगे और उसको आप इतना एक उबाल लेके आए, उबालने के बाद ये सब्जियां आपने हिसाब से इसमें शामिल कर देंगे। आहा जबरदस्त, यानी कि गाजर है, खीरा है, उबलते पानी में डाल दें और जार को बंद कर दें। अब ये क्या होगा, ये नरम हो जाएंगे ऐसे ऐसे 2-3 दिन बाद इनका बड़ा अच्छा फ्लेवर पिक हो जाएगा, खटास आ जाएगी इसके अंदर, तो ये हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि घर में आप सुबह भी कर लें बेशक तो शाम तक इफ्तार तक ही आपके फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएंगी। तो इन माय केस मैंने बना के पहले से रख लिया था, मैं आपको बता दूँ आसानी से आप घर पर बना सकते हैं। तो रोटी सिक जाए हल्की सी, ठीक है, क्या ज़बरदस्त सिक रही है ये, बेहतरीन काम हो गया और बहुत आसान है रोटी बनाना। इंशाल्लाह ताला किसी दिन इसको भी हम बना लेंगे। अब जिस पे आपने सर्व करना उसी पे रख दिया हमने। यहाँ पे पहले तो एक चटनी, हरी चटनी और दही, कुछ भी नहीं, लोकलाइज किस्म का है। हाँ हाँ हाँ, ये हरी चटनी और दही ये आपने इस पे लगा दिया। ये हमने थोड़ी सी इस पे डाल देनी है ये बंद गोभी जो काट के रखी हुई थी। अगेन इसके अंदर बंद गोभी के साथ लाल गोभी है, गोभी थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, कलर नो बीट विद राइस, कलर अच्छे लगते हैं इसके अंदर। अच्छा जी अब यहाँ पे ये चिकन ब्रेस्ट, परेशान ना होइएगा जला जला है, ये जला जला ही फ्लेवर देगा और 2 मिनट हमने रेस्ट दे दिया था इसको। अब जस्ट को हम स्लाइस के काट लेते हैं। नहीं अच्छा पर जूसी, वेरी नाइस एंड जूसी। अच्छा मैं बता दूं कि जब मैं मैरिनेट कर रहा था मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, पूरा करूं, मैंने पूरा यूज़ किया। अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर है कि आप इसको पहले ही बारीक काट लें, मसाले में डालें और छोड़ दें और फिर आप इसको बस ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपको ख़तरा लगता है कि इस तरह से बहुत लंबा काम है या हम नहीं कर पाएंगे तो ईजीली आप उसको चिकन को रेशा पहले ही काट लें कच्ची मुर्गी को और उसके बाद उसको आपने फ्राई कर लेना, जैसे हमने इसको फ्राई किया था आप झटपट फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी ये हो गया, अब ये पीसेस हम बड़े मज़े से मैं इसको यहाँ पे सजा देता हूँ। कच्ची पीसेस
यहाँ रख देते हैं। अगर इन सब्जियों को यूज करना तो प्लीज इनको अलग से आप ले रख लें और फ्रिज में रख लें बेशक, लेकिन इसमें हाथ ना डालिएगा खराब हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी गाजरें, ये डाल देते हैं इसके अंदर। ये आपने गाजर डाल दिए, एक ही अदर हरी मिर्चें, बेशक आप चाहे ऊपर रख दें, जिसको लेना हो ले लेगा, या इसी प्लेटर पे आप यहाँ रख दिए हरी मिर्च, वन ऑफ माय फेवरेट चुकंदर। इसका कलर बड़ा ब्राइट होता है, तो इसको मैं अमूमन अगर आप चाहें तो गाजर को, खीरे को, मिर्चों को मिला लें, इसको ना मिलाइएगा, ये तेज कलर होता है तो आपके तमाम चीज़ों का कलर छुप जाएगा। इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि इसका कलर बहुत तेज होता है चुकंदर का, अगर आप इसके साथ चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन सारी सब्जियों का कलर फिर आपका एक जैसा हो जाएगा। तो कीप दिस सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही जो आपने दही की चटनी बनाई थी, इसको ड्रिजल कर दें। भाई ये इफ्तार पे बनाना शर्त है, पुदीना गार्निश के लिए, फ्रेशनेस का एहसास, और इसको सर्व करने के लिए मैं कहूँगा नथिंग लाइक ठंडी ठंडी स्प्राइट, गुड ओल्ड नथिंग लाइक ठंडी ठंडी स्प्राइट, जो कि पहले प्याज को भड़काए फिर बुझाए। इंजॉय कीजिएगा, मुझे फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, तो बताइएगा कैसा बना, लुकिंग गुड, ट्राई करें। इजाज़त इस वादे के साथ, फिर मुलाकात होती है इसी शो पे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।